हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। एंड गाइस, आज की इस वाली वीडियो में करने वाले हैं अर्बन टोन में अपनी फोटोज को एडिट। अचानक से ये आइडिया मेरे माइंड में कैसे आया? नाउ सी, रिसेंटली मैं एक फोटो शूट पे गया था, बहुत ही अर्बन सी लोकेशन पे, एंड वहाँ पे बहुत सारी फोटोज हमने क्लिक करी। एंड ऑलरेडी मैंने बहुत सारी फोटोज पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम पे, एंड आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई वो सारी फोटोज। पर हाँ, वहाँ पे ना इस पूरे फोटो शूट का मैं BTS या फिर व्लॉग बनाना भूल गया, और मैंने काफी टाइम से सोचा भी था कि मैं ऐसा एक व्लॉग बनाऊंगा अर्बन लोकेशन पे, बट पता नहीं क्यों मैंने उसने बनाया नहीं। तो अगर आप लोगों को चाहिए इस टाइप का कोई व्लॉग जहाँ पे कि मैं बहुत ही अर्बन सी लोकेशन पे आपको फोटो शूट करके दिखाऊं, तो कमेंट डाउन में जरूर बता दूंगा। फिलहाल इस टाइप के अर्बन फोटोज को कैसे आप एडिट कर सकते हो एंड कैसे ये बहुत ही रिच अर्बन सी लुक अपनी फोटो में डाल सकते हो, यही जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स चेक कर रहा था, एंड वहाँ पर मैंने देखा इतने सारे लोग जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। यार पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो एक, और हमें भी हेल्प करेगा थोड़ा सा, हमें दोबारा 1 मिलियन में पहुंचना है। ऑलराइट, तो चलो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कैसे आप इस टाइप की फोटो अपनी एडिट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा अर्बन लोकेशन पे फोटो शूट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं करना है। आप मेरे आउटफिट्स को देखते हैं, बहुत ही कम कलर्स में ब्लैक एंड व्हाइट कलर मोस्टली है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी ऐसी फोटो में बहुत ज़्यादा कलरफुल लाल पीली फोटो हमारी बने। हम फोटो को एक सिंगल टोन में रखेंगे, एंड मतलब थोड़ी सी क्लासी हमारी फोटो बनेगी। तो एडिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक फोटो एडिट करके दिखाऊंगा, एंड बाकी सभी फोटोज में हम सेम सेटिंग पेस्ट करेंगे। एंड अगर आप लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो और ये सारी एडिटिंग खुद नहीं करना चाहते, तो मैंने ऑलरेडी एक प्रीसेट बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू नो बट टू डू। ओके, चलो फिलहाल अपनी इस वाली फोटो को एडिट करना स्टार्ट करते हैं, एंड इसको ओपन करता हूँ लाइट रूम मोबाइल के अंदर। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। अगर आपने कभी कोई भी फोटो एडिट नहीं किया तब भी आप अपनी किसी भी इस टाइप की फोटो को ऐसी टोन में एडिट कर सकते हो, एंड आपकी फोटोज बहुत ज्यादा अच्छी लग सकती है। चलो स्टार्ट करते हैं एडिटिंग का प्रोसेस, फोटो को इंपोर्ट करते हैं लाइट रूम मोबाइल के अंदर, वहाँ पे पूरी फोटो करते हैं एडिट। ओके, सो देखिए यहाँ पे लाइट रूम के अंदर हमारी फोटो ये आ चुकी है। सबसे पहला जो आपका बेसिक स्टेप होना चाहिए वो ये कि आपको अपनी फोटो में लाइट्स को एडजस्ट करना है। तो लाइट्स पे हम चलते हैं, एंड आपको सबसे पहले हाईलाइट को कम करना है। मेरी फोटो में लाइट्स बहुत ज्यादा लग रही है इसलिए, क्योंकि मेरे व्हाइट स्नीकर्स की जो डिटेल्स है वो बिल्कुल गायब हो रही है, तो मैं हाईलाइट को कम कर दूंगा। एंड सिमिलरली मैं यहाँ से शेडोज को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ओके, तो मस्त हमारी फोटो में लाइट बैलेंसिंग हो चुकी है। एंड थोड़ा सा मैं एक्सपोजर को भी कम कर लूँगा, क्योंकि फोटो में ज़्यादा लाइट हो चुकी है, ओवर एक्सपोज फोटो थी ये, तो जस्ट अ लिटिल बिट मैं इसको कम कर लूँगा। एंड इसको कम्पनसेट करने के लिए मैं इसके शेडोज को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। सो डन, यहाँ पे फोटो में पहला स्टेप हमारा हो चुका है। इसके बाद सेकंड स्टेप आपको चलना है कलर्स के अंदर, एंड आपको सबसे पहले यहाँ से इसका वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ाना है, एंड अब चलना है आपको ऊपर कलर मिक्सर के अंदर। तो यहाँ पे जो आपको पहले दो कलर है इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी कलर का सैचुरेशन बिल्कुल जीरो कर देना है। तो यहाँ से हम येलो से स्टार्ट करेंगे एंड सैचुरेशन जीरो। तो सी, यहाँ पे हमने सारे कलर का सैचुरेशन डाउन कर दिया है, लेकिन जो ये लास्ट कलर है इसका सैचुरेशन माइनस करते टाइम आपको देखना है कि आपकी स्किन पे कोई इफेक्ट ना आए इससे। तो मेरी स्किन पे नहीं आ रहा, तो मैं इसको बिल्कुल डाउन कर दूंगा। अगर आपकी स्किन पे या कहीं पे भी ये कलर हो तो आप इसको ध्यान दे रहे हो। तो यहाँ पे सैचुरेशन कम हो चुका है, अब आती है बारी ल्यूमिनेंस की। तो स्टार्ट करते हैं अपने ऑरेंज कलर से। सबसे पहले फेस का कलर जो हमारा ऑरेंज है, इसका हम थोड़ा सा ल्यूमिनेंस बढ़ाएंगे ताकि फोटो हमारी थोड़ी सी ब्राइट हो जाए। एंड सी, बहुत सही लग रहा है। इसके बाद जो बाकी कलर्स हैं हमारे, इन सभी का हम ल्यूमिनेंस भी कम कर देंगे। तो सबसे पहले येलो कलर पर चलते हैं, एंड इसका ल्यूमिनेंस कम। एंड यू कैन सी पीछे जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल डार्क हो रही है। सिमिलरली हमारा ग्रीन कलर, इसको भी कम कर लेते हैं। बस हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपकी फोटो में कहीं पर ग्रेन्स ना आ जाए, जैसे कि इस कलर से बहुत ज़्यादा ग्रेन आ रहे हैं, देखिए। तो इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल ही रखूँगा। एंड डन, यहाँ पे ये आपका हो चुका है। अब हमारा आता है सिंपल सा तीसरा स्टेप, इसको कहते हैं डन। एंड यहाँ पे चलते हैं कलर मिक्सर के अंदर। यहाँ से जस्ट आपको शेडोज पर क्लिक करना है, एंड सबसे पहले इसका आपको सैचुरेशन बढ़ा देना है। अब अपनी फोटो में वो मस्त अर्बन टोन डालने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो ह्यू है इसको लेके चलना है यहाँ से ब्लू कलर पे। एंड सी, यहाँ पे ये टोन सही लग रही है, इसका सैचुरेशन कर देते हैं थोड़ा सा कम। एंड नेक्स्ट हमें जाना है यहाँ से हाईलाइट्स के अंदर, इसका भी हमें सैचुरेशन बढ़ा देना है, एंड इसको रखना है येलो टोन में। सो ये जो येलो कलर है हमारा, ये इसका हम थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर लेंगे। एंड जो ये शेडोज वाला कलर है, इसका हम थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देंगे। सेम एक बार मिड टोन में भी चलते हैं, एंड इसका भी हम ब्लू टोन रखते हैं। एंड सी, पूरी फोटो में मस्त ग्रीन या फिर ब्लू टोन आ रही है, जो कि बहुत सही लग रही है। इसका सैचुरेशन बिल्कुल कम रखेंगे हम। एंड लुक एट दिस, पूरी फोटो में बहुत मस्त यहाँ पे टोन हमारी ये बन चुकी है। इसको करते हैं डन। एंड नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप, जो कि हमारा है कर्व टोन। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से कर्व में चलते हैं, एंड अपनी फोटो में हाईलाइट्स में मैं थोड़ा सा लाइट ऐड करूँगा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से उठाते हैं, एंड शेडोज के लिए इसको थोड़ा सा कम करते हैं। तो देखिए पूरी फोटो में मस्त एक कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, जो कि बहुत सही लग रहा है। एंड इसको करते हैं डन। अब यहाँ पे अपनी फोटो में डॉज एंड बर्न या फिर लाइट वगैरह कुछ बनानी है, तो उसके हम क्या करेंगे, सिलेक्टिव के अंदर चलेंगे यहाँ से। एंड एक मैं जस्ट यहाँ से लूँगा ग्रेडियंट, एंड नीचे की साइड से इस ग्राउंड को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम, एंड इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी ज़्यादा। सो डन। एंड सिमिलरली पूरी फोटो को हम ऐसे कर देंगे। तो एक बार हम दोबारा चलते हैं यहाँ से, एक हम राउंड बनाते हैं सर्कल, एंड जस्ट अपने सब्जेक्ट के अराउंड। ओके, एंड इसको कहते हैं इन्वर्ट।
एंड इस पूरी फोटो की हम क्या करते हैं क्लैरिटी को बढ़ा देते हैं। तो इसी बैकग्राउंड बहुत मस्त एक एच डी आर टोन में आ रहा है जो कि बहुत सही लग रहा है एंड इसका हम थोड़ा सा एक्सपोजर कम भी कर लेते हैं एंड डन। इसके अलावा एक चीज़ मैं और करूँगा अपनी फोटो में ऐसे जाते हैं कलर्स के अंदर एंड जो हमारी स्किन टोन्स का कलर है वो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसका मैं थोड़ा सा ह्यू चेंज करूँगा एंड इसको थोड़ा सा ना येलो साइड रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये रेड लग रहा है। इसको इतना रखते हैं, इसका थोड़ा सा सैचुरेशन भी बढ़ा सकते हैं एंड डन। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान तरीके से हमारी फोटो में मस्त एक ये अर्बन टोन आ चुकी है। अब इस फोटो में अगर आप थोड़े बहुत अपने हेयर्स को एडिट कर लोगे एंड थोड़ी सी अपनी स्किन में डॉज एंड बर्न कर लोगे एंड पूरी फोटो में डॉज एंड बर्न कर दोगे तो फोटो आपकी और ज़्यादा बेस्ट भी बन सकती है। फिलहाल ये फोटो यहाँ पे इतनी ही बहुत अच्छी लग रही है। देखो ये तो थी वो पूरी कलर ग्रेडिंग जो कि हमने अभी अपनी फोटो में डाली एंड बहुत कमाल की टोन लग रही है। बट अगर आप लोग इतनी सारी मेहनत नहीं करना चाहते, आप लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो एंड आपको शॉर्टकट्स में ज़्यादा बिलीव है, तो इसका ऑलरेडी एक प्रीसेट डिस्क्रिप्शन में है, आपको जस्ट उसकी सेटिंग्स को कॉपी करना है, अपनी फोटोज पर पेस्ट करना है एंड आपकी फोटोज वन क्लिक में ऐसे एडिट हो जाएगी। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, अगर आपकी फोटो में बहुत ज्यादा कलर्स हैं तो वहां पे ये प्रीसेट उतना अच्छा काम नहीं करेगा। आपको ये प्रीसेट अपनी इस टाइप की फोटोज में ही लगाना जहां पे सिंपल से कलर्स हो एंड थोड़ी सी अर्बन सी लोकेशन हो। आपको दिखाता हूं वो प्रीसेट कैसे काम करता है। तो सिंपली चलते हैं बैक एंड ये है अर्बन टोन वाला प्रीसेट। इसको जस्ट आपको थ्री डॉट पे जाना है, इसकी सेटिंग्स को करना है यहां से कॉपी एंड डन। अब चलना है बैक एंड अपनी किसी भी फोटो पे पेस्ट कर देना है। तो मेरे पास सेम उसी लोकेशन की एक ये वाली फोटो है, इस पे करते हैं इसको पेस्ट। तो थ्री डॉट पे चलेंगे एंड यहां से करेंगे पेस्ट सेटिंग्स एंड सी एक क्लिक में पूरी फोटो में बिल्कुल मस्त एक अर्बन टोन आ चुकी है जो कि बहुत सही लग रही है एंड ओवरऑल फोटो मतलब बहुत ज़्यादा क्लासी लग रही है एंड बिल्कुल मस्त एक डार्क ब्लू टोन में फोटो लग रही है। अब चलते हैं बैक एंड एक दूसरी फोटो हमारे पास ये वाली, इस पे भी करते हैं इन सेटिंग्स को पेस्ट। तो यहाँ पे जाएंगे एंड पेस्ट सेटिंग्स एंड सी एक क्लिक में हमारी फोटो में बहुत ही मस्त मॉडर्न सी टोन आ चुकी है। सो मतलब इस प्रीसेट को आप भी अपनी किसी भी फोटो में यूज़ कर सकते हैं एंड आपकी फोटो बहुत ही अच्छी से बन सकती है। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा एंड इस वीडियो में जो टोन हमने फोटो में डाली वो आपको पसंद आई होगी एंड जो प्रीसेट मैंने इस वीडियो में आपको दिया है उसको भी आप यूज़ करोगे। तो अगर आपको इस वीडियो में यार कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको किसी भी चीज़ से कुछ भी भला हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कर देना और हमें जल्दी से आगे बढ़ना है, ठीक है, 1 मिलियन दोबारा करने, तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर किया करो यार। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।